कुछ पिछले दो दिनों से जरा खामोशी सी थी ना, क्योंकि एक मेरे घर में नहीं थी, मेरे अब्बा रिपीट देख रहे थे। मेरे घर में बिल्कुल एक अमन सा माहौल था, बल्कि बहुत ही खामोशी हो गई थी। और पता ये चला कि दो दिन का ब्रेक था बीच में। वर्ल्ड कप फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज से जी क्वार्टर फाइनल्स का ये जो सिलसिला है ये शुरू हो जाएगा। और आज चौकड़ी मचने वाली है अब्दुल्ला, एंड योर ये रोज नया कोई वर्ड। देखिए, आई वांट टू फिट धमा चौकड़ी इन एवरी सिचुएशन। धमाल चौकड़ी, धमा चौकड़ी, धमा चौकड़ी, हां, बिकॉज़ आई लव दिस वर्ड। ठीक है, सो आज है ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, और क्रोएशिया आपको याद दिला दें कि पिछले साल के फाइनलिस्ट हैं। और साथ ही रात को 12 बजे होगा अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड। सदाम हुसैन हमारे साथ हैं। सदाम, किस मैच के बारे में आप ज्यादा एक्साइटेड हैं? ब्राजील, बिकॉज़ ब्राजील मेरा फेवरेट टीम है। मेरी बात सुने, अगली दफा वो बोर्ड लगा के आएगा, हर दफा बताते हैं। नहीं तो हर बार इतनी फेवरेट है कि हर बार वो बता देते हैं ना, और मैंने पूछ लिया। बट अगर हम फेवरेटिज्म को निकाल कर टैलेंट को कंपेयर करें, या स्किल को और लक जो इस वक्त जिस टीम की चल रही है उसको कंपेयर करें, तो हु डू यू थिंक इज इन अ बेटर पोजीशन, क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील? क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील, डेफिनेटली ब्राजील। ठीक है, बिकॉज उसकी क्वालिटी, मतलब क्रोएशिया लास्ट वर्ल्ड कप में बेस्ट था, इस दफा नहीं। उसकी लक भी था और टीम एक अच्छे स्ट्रेंथ में था, तो अभी देखें गेम को सर्वाइव कर रहा है, उस स्ट्रेंथ पोजीशन पे नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अभी ब्राजील की अगर हम बात करें, इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब के 2002 के उसके पास जो स्ट्राइकर्स थे, रोनाल्डो लेजेंडरी ब्राजीलियन, और मतलब के टॉप क्लास के, मतलब उस वो नज़रिए को अभी शो कर रहा है अपना। एक हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी स्ट्राइकर हैं ब्राज़ील के पास बहुत अच्छे, अगर अभी क्वालिफाई, अभी अगर जीत नहीं सका ब्राज़ील तो आगे बहुत कम्पिटेटिव हो सकता है। अगर अभी जीत नहीं सके तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कह रहे हैं अगर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखी जाएं तो ब्राजील इज इन अ बेटर पोजीशन, इज इन अ बेटर पोजीशन, और फेवरेट भी सबका यूजुअली इस मैच में ब्राजील ही होगा। यस यस, डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा, फेवरेट भी ब्राजील ही होगा, मतलब आधा हमारा मुल्क जो है आधे से ज्यादा, और खासतौर पर अगर हम कराची की बात करें तो लियारी तो आज फिर जश्न मनाएंगे, और आपको पता है कि हम आपको काफी विजुअल्स वहां के दिखाते हैं। दे सेट अप फॉर इट, मतलब वो तैयारी पूरी पकड़ते हैं, स्क्रीनें लगती हैं, एक जश्न का एक माहौल भी पहुंच गए थे वजीर आला से। मैं क्यों घर में बैठ के अकेले देखूं, मैं भी उधर ही जाके देखूंगा मैच। सो विद द क्वार्टर फाइनल्स एट हैंड, मतलब सोच ही लें कि आज की तैयारी तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगी। अच्छा जी, दूसरा मैच है अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स। सो यहां पे कंपैरिजन करें हमारे लिए, दोनों टीमों का तकाबली जायजा पेश किया जाए। अगर कंपेरिजन इनका नहीं कर सकते, बिकॉज बोट इनके प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें तो काफ़ी कम्पिटेटिव मैचेस हुए लास्ट, जो अगर हम मैं बहुत इंपॉर्टेंट इनके मैच की किसका पलड़ा भारी रहा है ये दोनों टीमें जब जब भी आमने सामने आई? नेदरलैंड का ज़्यादा रहा है, बिकॉज अगर हम अभी जो ये वर्ल्ड कप आ रहा है सिचुएशन वही ना बिल्ड हो जाए, बिकॉज मेरा जो पैशन मैं अपने तरफ से देख रहा हूँ इनके मैचेस को, इज गोइंग टू बी ए 1998 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हो सकता है। अच्छा, विच नेदरलैंड विन बाय 2-1 अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना वही हिस्ट्री ना दोहराया जाए नेदरलैंड की तरफ से, लेकिन इस वक्त अर्जेंटीना वाज वेरी गुड पोजीशन। अर्जेंटीना भी बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन नेदरलैंड भी कम नहीं है, यहाँ किसी का भी चांस लग सकता है। इज गोइंग टू बी ए सरप्राइजिंग हो सकता है, हिस्ट्री वापस रिवर्स हो सकती है। 1998 वर्ल्ड कप में भी जीता था अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल ब्राजील को, और भी क्वार्टर मैचेस जीते हैं वर्ल्ड कप के नेदरलैंड ने अर्जेंटीना को। अच्छा, इनवेरिएबली फीफा के जो जब ये फाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स वगैरह तक बात पहुंचती है ना, तो फिर डिविजन्स बन जाती हैं कि साउथ अमेरिका वर्सेस यूरोप हो जाता है। और अगर आज भी आप देखें तो हमारे पास ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो कंट्रीज़ हैं वर्सेस क्रोएशिया नेदरलैंड्स, तो ये भी डिवीज़न आपको एक नज़र आना स्टार्ट हो गया कि साउथ अमेरिकन नेशंस हैं और फिर यूरोपियन मुल्क भी हैं। क्या लगता है आपको, अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो फुटबॉल इज़ बेटर प्लेड, ज़्यादा पैशन है साउथ अमेरिकन नेशंस में एज कम्पेयर टू यूरोप, ऑल्दो यूरोपियंस को अच्छी नहीं लगेगी बात? वक्त से साथ साथ फुटबॉल बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। अगर लातिनी अमेरिका के जितने भी, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, जितनी भी टीमें हैं, यूरोगुआई हो गया, दे आर बिग टीम्स। अगर उनके जितने प्लेयर्स देखें यूरोप के टॉप के लीग्स में खेलते हैं और टॉप स्कोरर भी होते हैं, उसमें सबसे बिगेस्ट नेम है मेसी का, इज ऑलवेज कम ए टॉप स्कोरर इन डिफरेंट लीग्स इन यूरोप। लेकिन उनका फुटबॉल स्टाइल देख लें, वो प्री स्टाइल पे खेलते हैं, दे आर शोइंग योर स्किल, फ्रीडम के साथ खेलते हैं, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल शो करते हैं डे बाई डे। लातिनी अमेरिका का फुटबॉल बहुत डिफरेंट होता जा रहा है, फिर हम यूरोपियन फुटबॉल को कंपेयर करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। हमारे मुल्क में फुटबॉल का है, व्हाई डोंट वी हैव अ टीम व्हिच इज इन्वेस्टेड
यू नो इन जिनमें इन्वेस्ट करें, जिनको टाइम दें, जिनको सिस्टम नहीं है ना, सपोर्ट नहीं है, मतलब वी आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल एंड वी डोंट हैव उस पाए की उस लेवल की टीम नहीं है कि जाके कुछ, और ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बस ग्रूम करने की जरूरत है, टैलेंट बहुत है, ये नहीं कह सकते। खैर आज दो क्वार्टर फाइनल्स हैं, ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड, लेकिन कल जो है, कल वैसे तो हमारी आपसे बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कल मोरक्को वर्सेस पोर्टुगल भी है, सो वो आपको पता ही है पाकिस्तान में भी किस तरह और पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया में किस तरह से मोरक्को को क्वार्टर फाइनल में पहुंचना सेलिब्रेट किया गया, सो मोरक्को कैन ऑल्सो गिव सरप्राइजेस। यस डेफिनेटली, अगर इसके वो देख ले मोरक्को का जो स्पेन के सामने प्लेइंग स्टाइल था, इट्स गोइंग टू बी, उन्होंने जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, नेड़े नहीं लगने दिया, नेड़े नहीं लगने दिया, हम जैसे हम कहते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ सीखने को मिलेगा, दिस मैच गोइंग टू बी, यू कैन सी एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सिस्टम, डिफेंसिव सिस्टम, एटीट्यूड देख ले, अटैकिंग एटीट्यूड देख ले, मैं समझता हूँ ये अफ्रीकन नेशन के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा विन था, ये सरप्राइजिंग था, ट्रू जबरदस्त। तो एट द सेम टाइम हम यहाँ ब्राजीलियन फैंस की बात तो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर अर्जेंटीनियन फैंस भी हैं, यहाँ पे वैसे ब्राजील के फैंस के अलावा अगर दूसरे नंबर पर हम पर्टिकुलरली लियारी के इलाकों की बात करें तो अर्जेंटीना है मोस्टली, फिर उसके बाद आ जाता है फ्रांस, अच्छा वो भी वो थर्ड उसमें आ जाता है, फिर पुर्तगाल भी है इस तरह, फिर तो कोई भी आ जाए फिर, लेकिन टॉप टू अर्जेंटीना और जो है ब्राजील का जो है क्लैश होता है फैंस में आपस में। और एक और भी चीज है, हमारे यहाँ कराची है तो बांग्लादेश में ढाका है, वहाँ अर्जेंटीना के बहुत बड़े फैंस है, अच्छा वेरी क्रेजी, जैसे यहाँ ब्राजील में कराची में ब्राजील के फैंस है, वहाँ अर्जेंटीना के, इसी तरह अब जो अर्जेंटीना और जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना का क्लैश, अब फैंस तो ज़्यादा है, उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड होगा, अगर ब्राज़ील मैच खराब कर जाएगा तो अर्जेंटीना फैंस तो आज यानी फैंस के लिए आज बहुत हैवी डे है, बिकॉज़ पहले वो ब्राज़ील वाला मैच देखेंगे, फिर वो अर्जेंटीना वाला देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, और फिर ऑफ कोर्स क्या ही बात हो कि अगर फाइनल तक यही दो टीमें फाइनल में आ सकते हैं।